नोएडा में फर्जी वर्सेस असली। पुलिस कर्मियों की फर्जी आईडी, फर्जी खेल का बड़ा खुलासा। टोल से बचने के लिए फर्जी पुलिस का खेल। सैकड़ों की तादाद में मिली इन आईडी को गौर से देखिए। हर कार्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस। कार्ड पर पुलिस कर्मियों के नामों को शायद आप में से कोई पहचानता भी हो। कार्ड पर छपे पुलिस कर्मियों की फोटो असली हो सकती है, लेकिन ये कार्ड पूरी तरह फर्जी है, क्योंकि इस कार्ड को उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी किया ही नहीं गया, बल्कि ये कार्ड इस्तेमाल किए हैं शातिर जालसाजों ने टोल से बचने के लिए। जी हाँ, सैकड़ों की संख्या में कार्ड मिले हैं यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा से, जहाँ शातिर ठग टोल से बचने के लिए इन फर्जी कार्डों का इस्तेमाल करते थे। उनका मकसद होता था टोल पर खर्च होने वाली रकम को बचाना। जेवर टोल प्लाजा से मिले फर्जी कार्ड। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल का है, जहां टोल कर्मियों को शिकायत मिली कि टोल से निकलने वाले कुछ शख्स पुलिस विभाग के फर्जी आई कार्ड लेकर घूम रहे हैं। उनका मकसद था टोल पर देने वाली रकम को बचाना। मामले में टोल बूथ कर्मियों ने जांच की, जिसमें 100 से ज्यादा कार्ड फर्जी निकले। टोल टैक्स का नाम आते ही अधिकांश लोग टोल टैक्स से बचने की जुगत में लग जाते हैं, तो कुछ लोग चंद पैसों की खातिर कानून को भी ताक पर रख देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा का है, जहां पर टोल कर्मियों को सूचना मिली कि कुछ लोग पुलिस का फर्जी आई कार्ड दिखाकर टोल टैक्स नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद टोल कर्मियों ने जांच शुरू की तो 10 से 12 दिन के अंदर ही 100 से ज्यादा लोग फर्जी आई कार्ड छोड़कर भाग गए। फिलहाल टोल मैनेजर ने जो फर्जी आई कार्ड पुलिस के थे उनको लेकर लिखित में पुलिस को एक शिकायत दी है, और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठता है कि अगर सिर्फ चंद पैसों की खातिर कोई शख्स पुलिस विभाग के फर्जी आई कार्ड बना सकता है, तो क्या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए भी ऐसे फर्जी कार्ड बनाए जा सकते हैं? क्योंकि इसकी पहचान तो पुलिस तुरंत करवा भी नहीं सकती, क्योंकि इसमें कोई चिप मौजूद नहीं है, सिर्फ एक नंबर है। इस तरह के कुछ कार्ड्स उन लोगों ने कलेक्ट किए। नॉर्मली ये होता है कि जब टोल पे जाते हैं तो ये लोग जो पुलिस को एक रिलीफ है, पुलिस को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो वो सबको पता होता है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं संभवतः कार्ड बना लिया होगा। तो जो लोग टोल पे पैसा वसूलते हैं उन लोगों ने फेस टैली करके उस कार्ड को सीज कर लिया हुआ था। इस तरह से काफ़ी संख्या में वहाँ पे कार्ड संभवतः जमा किया गया है, जो थाने में लेकर के लोग गए हैं, और हमने कहा है कि इसमें जो भी एक्शन बनती है उसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। पूरे मामले में पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं आया। अब सवाल उठता है कि क्या टोल टैक्स को बचाने के लिए पुलिस के आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल करना सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जाए, क्योंकि ये फर्जी खेल खतरनाक भी हो सकता है। फिलहाल फर्जी पुलिस कर्मियों की तलाश अब असली पुलिस कर्मी कर रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कब तक जो फर्जी पुलिस कर्मी हैं वो सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। ग्रेटर नोएडा से बलराम पांडे, एबीपी गंगा।